हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब मैम बस यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है आई एम श्योर जिन लोगों ने निवेश किया मार्केट के अंदर ठीक है बहुत ही बढ़िया अभी प्रॉफिट होना शायद स्टार्ट हो सकता है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा फोकस करना आई एम श्योर आपके बहुत काम आ सकता है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स एंड देन पार्ट टू में आप लोगों की क्वेरीज देखो आई एम श्योर मैंने आज मार्केट देखा है ठीक है बहुत ही कम मिड कैप्स ऊपर गए थे मिड कैप सस्टेन नहीं कर रहे लेकिन एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट सस्टेन कर सकता है जी हाँ मैम बस देखो बात समझना सबसे पहली बड़ी न्यूज तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से और बहुत धांसू न्यूज़ है डाउ डाउजोन्स देखोगे तीन पॉइंट ऊपर है ठीक है नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी करता हुआ दिखाई दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था डबल बॉटम आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा ठीक है यहां पे डबल बॉटम मल्टी सपोर्ट एंड ये ब्रेकआउट और इसका क्या इसका पप्पा भी ब्रेकआउट कर सकता है ये बताया था कि नहीं बताया था डेफिनेटली डेफिनेटली कमेंट मेंशन कीजिएगा कि सर बताया था आपने ओके okay, तो अगर डाउजो ऊपर जाएगा तो क्या एग्जस्ट निफ्टी यानी कि निफ्टी हमारा ऊपर नहीं जाएगा तो कि चांसेस है जाएगा ठीक है आप देखोगे यहां पे सत्रह छह सौ को ये टच करता हुआ दिखाई दिया एगजस्ट निफ्टी बातें समझ में आ रही है तो ग्लोबल न्यूज पॉजिटिव है ऊपर के लेवल से अब अगर देखोगे तो एफ खरीदारी आ चुकी है अठारह करोड़ की खरीदारी की है दिवाली से पहले ये बहुत बड़ा बोनस है बातें समझ रहे हो तो ये न्यूज पॉजिटिव है और अगर पूछो सर यहाँ पे डाउजोस सुपर क्यों जा रहा है कोई प्रॉपर धांसू खबर है क्या तो कि डेफिनेटली हैज बहुत बड़ी धांसू खबर है देखो यहाँ पे समझो यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें यहाँ पे रिजाइन कर दिया गया है सी आप डेफिनेटली बोलोगे सर ये रिजाइन तो नेगेटिव होता है देखो बात समझो ग्लोबल मार्केट जो भी मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है ना ठीक है वो जो अपनी गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसी की वजह से होता है जैसे कि आप सभी को पता है कि फेड रेट कंटिन्यूसली हाई करता है ठीक है कोई गवर्नमेंट अगर गलत डिसीज़न लेती है तो मार्केट रिएक्ट करता है और अगर ग्लोबल मार्केट रेट करता है तो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है जैसे कि इंडिया वो भी रिएक्ट करते हैं समझ पा रहे हो तो उसी की वजह से अगर देखोगे तो यहां पे इनकी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी जो यहां पे प्रॉब्लमेटिक थी जिसकी वजह से यूके में यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था ग्रोथ जीरो थी और इन्होंने रिजाइन कर दिया फोर्टी डेज के अंदर ठीक है ये यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो फोर्टी फाइव डेज के अंदर ही रिजाइन करते हुए दिखाई दिए है तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे डाउट जोन में काफी अच्छी पुलबैक्स आते हुए दिखाई दिए है ग्लोबल मार्केट में रिकवरी है ओके okay, तो मोटा मोटा हर एक जगह से पॉजिटिव न्यूज आ रही है आप एफआई देख लो डाउजो देख लो यूके में देख लो सभी जगह से पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी है ओके okay, अब मुद्दे पे पर ऐसा देखे सर चलो मान लो समझ में आ गया अभी करना क्या चाहिए निफ्टी में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए देखो बात समझो अभी तक जितने भी फ्राइडे हुए लास्ट दो तीन या चार फ्राइडे कंसिडर करोगे मार्केट में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है फ्राइडे हर फ्राइडे होता है डेफिनेटली अभी निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है सत्रह सौ तो ये जो है वो 7600, एक सौ आप कंसीडर कर सकते हैं ये है। आप समझ सकते हैं ओके वैसे भी आप देखोगे तो यहां का सपोर्ट लिया और ये ब्रेकआउट कर रहा है तो अगला जो टारगेट है वो 18000 का है यानी कि निफ्टी

बातें तो ये क्लियर हो गई लॉन्ग टर्म वाले के लिए आपने ये समझा दिया लेकिन ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ तो समझाओ ट्रेडर्स के लिए क्या करना है ठीक है ना तो बात समझना अभी जी आज नीचे के लेवल से ये रिकवरी थी ठीक है हालांकि मार्केट प्रॉपरली कंफ्यूजन था मार्केट में कोई पप्पा इसमें ट्रेड प्रॉपर नहीं कर सकता हालांकि हमने जीरो टू हीरो ट्रेड किया था और यहाँ पे भी कुछ ट्रेड करने की कोशिश की थी ठीक है लेकिन यहाँ पे बहुत ही वॉलेटल मार्केट था और कल ये गैप अप है यानी कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है मोटा मोटा तो समझना ठीक है पक्का आ सकती है वो बात समझना लेकिन बड़ा फॉल का एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि ये बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है ठीक है ना आप देखोगे तो लास्ट मोमेंट पे ही निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी तो अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो फिर आप ये समझो कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वापस ऊपर चला जाएगा तो कल का मार्केट कैसा हो सकता है पता है टोटली साइडवेज ठीक है टोटली साइडवेज आप ये समझो मोटा मोटा ओके okay, नीचे नहीं जाएगा तो कि यहाँ पे क्यों तो कि नीचे सपोर्ट बन चुका है और इसकी वजह से नीचे नहीं जाएगा तो थोड़ा डीप आएगा वापस ऊपर चला जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा क्यों तो कि यहाँ पे गैप अप है इसकी वजह से बातें समझ रहे हो तो कल एक पॉज कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है एज पर माय एनालिसिस और आज जो मैंने एनालिसिस की थी यहाँ पे एक्सपायरी स्पेशल के सत्रह चार सौ से लेकर सत्रह छह सो निफ्टी क्लोज हो सकता है इवन गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट सत्रह चार सौ के आसपास ओपन हुआ था ठीक है तो भी बोला था सत्रह चार सौ ही रहेगा सत्रह चार सौ के नीचे नहीं जाएगा तो हुआ कि नहीं हुआ एस एम एफ की प्रॉपर हुई कि नहीं हुई ठीक है वो अब आप समझ सकते हैं आप लोग क्लियर सिमिलर काइंड ऑफ बैंक निफ्टी देखो बैंक निफ्टी ने टी पैटर्न बनाई है नीचे के लेवल से ऊपर गया है अब यहां पर एक रेजिस्टेंस है तो अगर गैप अप ओपन होगा तो ऐसे कुछ पॉज कैंडल बना सकता है ओके okay? तो मोटा मोटा ये समझो कि ऊपर के लेवल पे चालीस हजार दो सौ पचास के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है ठीक है आप ये समझो चालीस हजार दो सौ पचास हजार चार सौ यह दो बड़े बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है अगर ये सस्टेन हुआ तो आप ये समझो कि आपको जो मोमेंटम आ सकती है वो शा, वो शायद साढ़े दस बजे की बाद आती हुई दिखाई दे सकती है प्रॉपर जो मोमेंटम आएगी वो ठीक बात है बातें क्लियर तो मोटा मोटा अगर आपको मार्केट में डीप दिखाई दे ठीक है मार्केट में फॉल दिखाई दी और यहां से गैप अप में मार्केट अगर आपको यहां पे 80 या 90 पॉइंट्स पॉइंट्स निफ्टी फॉल करता हुआ दिखाई दे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 30 का यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं बाय कर सकते हैं निफ्टी को ठीक है लेकिन बाय कब करना है तो कि पांच मिनट की कैंडल के अंदर नीचे के लेवल पे अगर पुल दिखाई देते हैं पांच मिनट की कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल दिखाई देती है फॉल के बाद वहां पर ट्रेड करना और वो फॉल कम से कम ऊपर के लेवल से

ठीक है वो गैप अप ओपन हो सकते हैं लेकिन हमको तभी ट्रेड नहीं करना बात समझना जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है जो इंट्राडे वाले होते हैं ना वो मेरा बात हमेशा ध्यान से सुने का ठीक है ये इंपॉर्टेंट है तो कल अगर ये गैप अप ओपन हो जाते दोनों स्टॉक को अवॉइड करना लेकिन बाद में आप ट्राई करना है तो कर सकते कब तो कि अगर ये नाइन के बाद इंट्राडे हाई ब्रेक किया तो ट्रेड करना ठीक है मान लो यहाँ पे पंद्रह मिनट जो स्टार्टिंग होती है गैप अप में उसको वॉलेटल करेगा ये कंटिन्यूसली ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा नीचे, जाएगा नीचे जाएगा लेकिन उसके बाद जो नाइन थर्टी के बाद हाई क्रॉस होगा वो सस्टेन करा पांच मिनट के अंदर तो आप ट्रेड कर सकते हो फॉर वन स्टॉप लॉस एंड वन तक के टारगेट ठीक है सेम इना बैंक बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ोड़ा ठीक तो है तो बैंक ऑफ बरोडा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉजिटिव पैटर्न है स्टॉक एक डब्ल्यू पैटर्न बना की कोशिश कर रहा है सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर रहा है जा सकता है ऊपर 142 फोर्टी टू के ऊपर मोमेंटम आ सकती है स्टॉक 144 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है इवन ये बड़ा ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं बड़ी मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है ठीक है तो कैन एंड बैंक ऑफ बरोडा फोकस कीजिएगा तीसरा स्टॉक है इंडियन होटल अब देखो अगर ये बंदा गैप अप ओपन हुआ तो वेट कर लेना क्योंकि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होगा तो ये भी गैप अप ओपन होगा हम लोग क्या करेंगे आज का लो टूटेगा तो शॉर्ट करेंगे फॉर थ्री जीरो फोर थ्री जीरो थ्री तक के टारगेट ठीक है मान लो कभी कभी हो जाता है देखो बात समझो मान लो मैं यहां पे क्लोजिंग करता हूं इंडियन होटल का स्टॉक का चार्ट है यहां पे क्लोजिंग जस्ट एग्जाम्पल मेरा कर्सर फोकस करो यहां पे क्लोजिंग है ये स्टॉक यहां पे ओपन हुआ यानी कि तीन पे ओपन हुआ क्लोजिंग है तीन सौ की 300 पे पंद्रह ओपन पे हुआ थोड़ा नीचे है ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया फिर नीचे जाता है और ये तीन सौ तेरह और तीन सौ बारह पच्चीस का जो लो है वो ब्रेक करता है पांच करता है देन देखो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई पप्पा नहीं सिखाएगा आपको हर एक वीडियो में कि ट्रेड कैसे करना है आपको सिर्फ इंट्राडे स्टॉक बोल देंगे ठीक है या तो निफ्टी बोल देंगे लेकिन ट्रेड कैसे करने कोई तो सिखाना चाहिए ना ठीक है कोई पप्पा नहीं सिखाएगा वो वो हम सिखाते हैं क्लियर तो फोकस करना आई एम श्योर आपके काम आ सकता है इंडियन होटल को शॉर्ट किया जा सकता है मुझे लग रहा है ये फॉलिंग पैटर्न है और ये बंदा फॉल कर सकता है 308 तक आ सकता है इंडस्ट्रियल बैंक देखो इंडस्ट्रियल बैंक क्यों रिजल्ट के बाद फॉल किया है हालांकि रिजल्ट पॉजिटिव है लेकिन बंदा ऑलरेडी फाड़ चुका था ऊपर जा चुका था तो ये बंदा फॉल कर सकता है लेकिन एक नेगेटिव है वो है निफ्टी बैंक बैकअप गैपअप ठीक है अगर ये गैप अप ओपन हो गया इसके साथ बैंक निफ्टी के साथ तो वेट कर लेना और अगर लेवल टूटेगा 1150 सो पचास मिनट सस्टेन करेगा तो 1130 तक ये आता हुआ दिखाई दे सकता है तो एक से डेढ़ परसेंट के लिए स्टॉक को शॉर्ट किया जा सकता है इसको फोकस रखना लिस्ट पर रखना बंदा करेक्ट डाउन हो सकता है फोकस रखेगा बात एक लिया। तो ओल ओल है क्लियर तो ऑल इन ऑल चार इंटरडेड स्टॉक है आई एम श्योर आपके लिए दो डाउन साइड दो प्लस साइड जो आपके काम आ सकते हैं ठीक है एंड फाइनली मेरे भाई मार्केट में रिली really आना मेरी हिसाब से तो स्टार्ट जल्दी हो सकती है अगर कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं आता करंटली जो है उतना ही है तो स्टार्ट हो सकती है ठीक है बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक, तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद